जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट में कैश डिपॉजिटेड इंटू बैंक ट्वेंटी थाउजेंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला गया है कि कैश डिपॉजिटेड इंटू बैंक रुपीज सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाया मतलब जब कंपनी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएगी तो बैंक वो पैसे रिसीव करेगा तो बैंक है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिटर द दे गिवर जो रिसीव कर रहा है डेबिट कर लो जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर लो सो तो बैंक यहाँ पैसे रिसीव कर रहा है सो तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश हमारी एक एसेट है जब एसेट कंपनी के बाहर जाती है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल अकाउंट का रूल लगता है सो so, एंट्री बन जाएगी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट मे की ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक सो बैंक ने पैसा रिसीव किया सो बैंक अकाउंट डेबिट कैश कंपनी के बाहर जा रहा है टू कैश अकाउंट नरेशन लिख दी being cash deposited into bank bracket close सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को क्लोज कर दिया अमाउंट है सिक्सटी थाउजेंड सो एक बारी डेबिट में लिख दी सिक्सटी थाउजेंड एक बारी क्रेडिट में लिख दी सिक्सटी थाउजेंड में की ट्रांजेक्शन है सो so एर्थ में एर्थ में रेंट रिसीव्ड फ्रॉम दिलदार बाय चेक रुपीज सेन थाउजेंड एथ मे को हम रेंट रिसीव्ड कर रहे हैं दिलदार से और दिलदार हमें कैसे पेमेंट कर रहा है थ्रू चेक रुपीज सेवेंटीन थाउजेंड हमें पता कि हर एक ट्रांजेक्शन में से हम दो मेन बातें ढूंढते हैं तो यहाँ हमें मेन रेंट मिल रहा है और रेंट किस फॉर्म में मिल रहा है चेक की फॉर्म में मिल रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब पर्सन का नाम दिया जाए और वो जिस ढंग से हमें पेमेंट कर रहा है कैश और चेक दिया जाए तो फिर उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में हमें पेमेंट कर रहा है तो यह हमें चेक मिल रहा है मेन चेक आ गया डेबिट वर्ड कम्स इन और वो क्यों आ रहा है बिकॉज हमें क्या मिल रहा है रेंट सो रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगी इनकम और इनकम के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है क्रेडिट ऑल दी इनकम्स और सारी इनकम्स को हम क्या करते हैं क्रेडिट सो चेक मिल गया चेक को हम बैंक लिखते हैं चेक आ गया बैंक ने वो चेक रिसीव कर लिया रिसीवर हो गया डेबिट अब चेक क्यों आ रहा है बिकॉज ऑफ रेंट रेंट सो हमारे लिए इनकम है टू रेंट अकाउंट चेक आ गया चेक को हम बैंक लिखते हैं और ये चेक क्यों आ रहा है बिकॉज ऑफ रेंट बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम और नरेशन लिख दी बींग चेक ब्रैकेट क्लोज सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को बंद कर दिया अमाउंट है सेवेंटीन थाउजेंड एक बारी डेबिट में लिख दी एक बारी क्रेडिट में लिख दी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ फोर्टींथ में कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड कि कैश विदड्रॉ करवाया गया है कहाँ से विद्रॉ करवाया गया है बैंक से विद्रॉ करवाया गया है क्यों विद्रॉ करवाया गया है फॉर द पर्सनल यूज सो पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं ड्राइंग्स सो ड्रॉइंग हमेशा लॉस होता है और लॉस को हम नॉमिनल के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं डेबिट तो पर्सनल यूज जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे ड्रॉइंग्स सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट अब ये जो पैसा निकलवाया ये हमें दे कौन रहा है हु इज द गिवर सो ये पैसा हमें बैंक दे रहा है सो so, गिवर के ऊपर पर्सनल का रूल लगा और उसको हमने क्या कर दिया क्रेडिट टू बैंक अकाउंट बीक विड्रू फॉर पर्सनल यूज नरेशन आप जैसे मर्जी लिखो बस एंट्री को जस्टिफाई होनी चाहिए अमाउंट इज ट्वेल्व थाउजेंड एक बारी डेबिट में लिख दिया एक बारी क्रेडिट में लिख दिया नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ में सेवनटींथ में चेक इशूड टू सुखबीर रुपीज थर्टी टू थाउजेंड चेक इशूड टू सुखबीर हमने सुखबीर को चेक सुखबीर इज द रिसीवर सुखबीर को हमने चेक दिया तो सुखबीर ने वो चेक रिसीव कर लिया सो so, रिसीवर के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है क्योंकि सुखबीर पर्सन है पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और रिसीवर को हम क्या कर देते हैं डेबिट सो so, हमने लिख लिया सुखबीर अकाउंट डेबिट अब सुखबीर क्या रिसीव कर रहा है चेक मतलब कंपनी के बाहर चेक गया और वो किसने रिसीव कर लिया सुखबीर ने सो so चेक को हम क्या लिखते हैं बैंक टू बैंक अकाउंट नरेशन लिख ली बींग चेक ईशुड टू सुखबीर ब्रैकेट क्लोज सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को बंद कर दिया अमाउंट इज थर्टी टू थाउजेंड एक बारी डेबिट में लिख दिया थर्टी टू थाउजेंड एक बारी क्रेडिट में लिख दिया थर्टी टू थाउजेंड लास्ट ट्रांजेक्शन में सो लास्ट ट्रांजेक्शन हमने लिख ली ट्वेंटी डिसऑनर का मतलब होता है कि जो चेक हमने सुखबीर को दिया था वो बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया अब बैंक वो चेक को एक्सेप्ट नहीं रहा ड्यू टू एनी रीजन कोई भी रीजन हो सकता है कि शायद हमारे चेक के ऊपर डेट गलत थी या जो हमने अमाउंट लिखी है उतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में थी नहीं हमने जो वर्डिंग्स में लिखा हुआ है अपनी अमाउंट वो गलत लिख दी या हमारे सिग्नेचर में नहीं कर रहे कोई भी रीजन हो सकता है बट डिसऑनर का मतलब होता है कि वो चेक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया सो so, अकाउंटिंग में हम बहुत सिंपल लेकर चलते हैं जैसे सेवनटींथ मे को हमने एंट्री डाली थी कि हमने सुखबीर को चेक दे दिया सो so, सुखबीर रिसीवर था और चेक हमारा चलेगा सो हमने उसको क्रेडिट कर दिया अगर कोई भी एंट्री डिसऑनर हो जाती है तो सिंपल आप एंट्री को रिवर्स कर दो अपने आप वो चीज जो है खत्म हो जाएगी जैसे मुझे किसी ने हंड्रेड रुपीज दिए तो मैंने डेबिट कर लिए कि मेरे पास सौ रुपया आ गया और बाद में पता लगा कि मुझे तो देने नहीं थे वो देने किसी और को थे तो वो मुझे सौ रुपया ले लेंगे जब मैं दूंगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा मतलब जो चीज आपको पहले डेबिट मिली थी अगर सेम अमाउंट से आप क्रेडिट कर दोगे तो उसका इफेक्ट जीरो हो, हो जाता है नीफाइड हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है सो डिसऑनर केस में कैसे करना है कि जैसे आपने पहले सुखबीर को चेक देने की एंट्री डाली थी अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर दोगे तो ये एंट्री अपने आप जीरो हो जाएगी सो so, जैसे सुखबीर अकाउंट डेबिट टू बैंक था अब इसको डिसऑनर करना है सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुखबीर काउंट बिल्कुल एंट्री को रिवर्स कर दो बींग चेक डिस ऑनड अमाउंट इज थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट अब जर्नल की सारी एंट्रीज हमने लिख ली हैं और लास्ट में हम बस टोटल करते हैं और टोटल कैसे किया जाता है डेबिट में देखिए सिक्सटी थाउजेंड तो ये टोटल आपके पास आ गया था क्रेडिट में देखें देखेंटी टू तो ये भी आपके पास आ गया थाउजेंड डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा जहां भी आपको चेक वर्ड लिखा आएगा हम हमेशा उसके लिए क्या यूज करते हैं बैंक